हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बार फिर से। बाबू फॉर्मेट रेडी कर लिया हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सबसे पहली चीज ये लिखते हैं बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और बेटा ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या कुछ लोग इसको बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी लिखते हैं। बाबू इसकी कैलकुलेशन मैं हमेशा वर्किंग नोट में करूंगा, ये कभी भी बेटा यहां पर कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है जी। और वर्किंग नोट में हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं बेटा, ये कुछ बेटा छह चीजों से मिलकर बना है, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा डिफरेंस इन एसपीएल, डिफरेंस इन एसपीएल दैट मींस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑफ एसपीएल। फिर बेटा हम प्लस करते थे ट्रांसफर टू रिजर्व, क्योंकि बेटा रिजर्व्स का पैसा कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जाता, लेकिन अप्रोप्रिएट जरूर हो जाता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर बेटा इसके बाद मैं प्लस कर रहा हूं इंटरिम डिविडेंड, इट इज अ बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और क्योंकि अप्रोप्रिएट मैंने कर दिया है और मैं निकालना चाह रहा हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, इसलिए ऐड कर दिया। फिर बेटा मैं ऐड करना चाह रहा हूं प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। बेटा पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल का फाइनल डिविडेंड होगा, और क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है लेकिन बेटा पे हो चुका बाबू, इस वजह से मैं ऐड कर रहा हूं। फिर बेटा ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर। बेटा करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहीं नहीं जाता, जबकि प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। और फिर बेटा मैं माइनस करूंगा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इस साल मुझे बेटा इनकम टैक्स का रिफंड मिला, लेकिन बेटा ये इनकम बिलोंग करती है बेटा प्रीवियस ईयर, ठीक है। बेटा ये आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। बात समझ में आई, कल भी यही बात करी बेटा। ये वर्किंग नोट से हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद बेटा हम एडजस्टमेंट करते हैं फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। देखो बेटा मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूं, मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है, गलती से भी ये काम मत कराना कि इसकी कोई एक्टिविटी आप इस जगह पर चिपकाए और बाद में कह दिया कि आंसर ठीक है, कोई टीचर नंबर नहीं देता, ठीक है ना। जो चीजें वर्किंग नोट में जानी है वो वर्किंग नोट में ही जानी है, आंसर से किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। तो बेटा मुझे एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। बाबू सबसे पहले मैंने आपको कहा था एक नॉन कैश आइटम बेटा सबको पता होती है, 11th क्लास में बेटा आपके दिमाग में डालनी शुरू कर देते हैं टीचर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। फिर बेटा हमने बात करी गुडविल रिटर्न ऑफ की, ठीक है ना, जरूरी नहीं है ये गुडविल रिटर्न ऑफ आए, इट मे बी पेटेंट रिटर्न ऑफ, इट मे बी बेटा प्रीमियम एक्सपेंसेस, इट मे बी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन मैंने कहा था पेपर में जनरली वो बातें नहीं आती, जो आती है मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है जी। फिर बेटा मैंने एक और चीज ऐड करी थी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। बेटा याद होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मैंने एक बात समझाई थी कि मैंने 50,000 रुपए की एसेट्स खरीदी और बेटा बाद में 20,000 की बेची, ठीक है ना। आप इन्वेस्टिंग में रिकॉर्ड करो कि एट द टाइम ऑफ परचेज कि आपने 50,000 की एसेट खरीदी, कैश चला गया आपकी जेब से, और जब आपने 20,000 की बेची तो बेटा 20,000 आ गया। बाबू लॉसेस ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 30,000 का लॉस हुआ ना टोटल एक्टिविटी में। अगर मैं 50 माइनस में दिखाऊंगा 20 पॉजिटिव दिखाऊंगा तो 30 वहां पर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा, तो क्या बेटा मुझे यहाँ रिकॉर्ड करना नहीं करना। बाबू ये दोनों मैंने ऐड इसलिए करे क्योंकि ये दोनों नॉन कैश है, ये मैंने बेटा इसलिए ऐड करा क्योंकि ये बेटा क्या है, ये बाबू नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना। फिर बेटा मैंने ऐड करा था इंक्रीज इन, मैं कोई भी प्रोविजन की बात कर सकता हूं लेकिन बेटा सबसे ज्यादा पेपर में आता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है ना। प्रोविजन बनाने से पैसा कहीं चला नहीं जाता, ठीक है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है। एज वेल एज बेटा मुझे ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। बेटा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, बोरोइंग बेटा अपने आप में फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसका ब्याज भी बेटा फाइनेंसिंग में ही जाएगा, तो बेटा इट इज ऑल्सो आर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैंने इस लॉजिक में इसको ऐड कर दिया,
मुझे माइनस करनी है बेटा तीन चीजें, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड होता है तो बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस होता है, ठीक है बेटा। अगर मैं इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल ऐड करता हूं तो बेटा डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बेटा लेस करता हूं। इसके अलावा बेटा मैं एक और चीज लेस कर देता हूं, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और बेटा डिविडेंड रिसीव। अब ये मैं किस लॉजिक पे बेटा लेस कर रहा हूं, क्योंकि बेटा ये तीनों की तीनों बातें इन्वेस्टिंग का पार्ट है बाबू, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम बाबू। आपको रेंट रिसीव हुआ जब आपने एसपीएल बनाया होगा तो बेटा अदर इनकम में जोड़ दिया होगा। अदर इनकम क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, रेंट रिसीव जोड़ा होगा, डिविडेंड रिसीव जोड़ा होगा, इंटरेस्ट रिसीव जोड़ा होगा, तो बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में इंक्लूड हुआ होगा। लेकिन बेटा आपको सोचो, अगर मुझे रेंट रिसीवर है, क्यों रिसीव हुआ, मैंने लैंड खरीदी हुई है, मैंने घर खरीदा हुआ है, किसी को दिया हुआ है बेटा रेंट पर, तो मुझे रेंट रिसीवर, भाई मैंने घर खरीदा हुआ है, मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो बेटा उससे होने वाली इनकम भी क्या है, इन्वेस्टिंग है, तो रेंट रिसीव बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इस वजह से बेटा ऑपरेटिंग में क्या कर रहा है, हटाओ इसे ऑपरेटिंग से बाहर निकालो, तो बेटा माइनस करो। सेम बात पे डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव, मैंने शेयर खरीदे हैं, मैंने डिवेंचर खरीदे हैं बाबू, ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो इनसे होने वाली इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम बेटा कौन सी इनकम है, इन्वेस्टिंग की ही इनकम है, तो बेटा इसे ऑपरेटिंग से हटा दो। क्लियर समझ आई बात गौतम, ओके बेटा। जब आप इतनी एडजस्टमेंट कर लेते हो जो सब कैलकुलेट होकर आता है बेटा, हम इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है बेटा क्या, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। बेटा मेरे को कुछ चीजें ऐड करनी है अभी भी वर्किंग कैपिटल की और कुछ चीजें लेस करनी है, कल भी बात समझाएगी बेटा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमेशा लेस होगा, कुछ और ना दिमाग लगाओ, सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक का उठा, पहले 50,000 का था आज 1,00,000 रुपए का हो गया बेटा, इंक्रीज हुआ ना करंट एसेट्स में बाबू। इस स्टॉक में इंक्रीज कैसे हुआ बाबू, मैंने स्टॉक खरीदा होगा इसके बदले में पैसे गए हो, पैसे गए हैं ना जेब से, कैश का आउटफ्लो हुआ है ना बेटा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमेशा बेटा पैसा खर्च कराती है, तो बेटा ये बाहर हो जाएगी यहां से, कम कर देंगे इसको, तो बेटा ये आउटफ्लो का पार्ट है इंक्रीज इन करंट एसेट्स। और बेटा डिक्रीज इन करंट एसेट्स हमेशा पैसा लेकर आएगी, पहले स्टॉक 50,000 का था 10,000, इसका मतलब 40,000 का बेच दिया तो मेरे पास 40,000 आ गए ना, पैसे आए ना बेटा, इनफ्लो हुआ ना, तो मैंने ऐड कर। सेम वे बेटा डिक्रीज सॉरी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी या बेटा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एट डिक्रीज लेस। बेटा सोचो डिक्रीज के एंगल से, मैंने क्रेडिटर को 1,00,000 दे रहे थे बेटा, आज रह गए 40,000, मैंने 60,000 दे दिया ना, लायबिलिटी कम हो गई ना, लेकिन बेटा कम कैसे हुई, मेरे पैसे देने से कम हुई, ठीक है ना। तो बेटा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमेशा माइनस और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हमेशा प्लस। इतनी सारी एडजस्टमेंट के बाद बेटा जो कैलकुलेट होकर आता है वो बाबू कुछ और नहीं, इसमें बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और बेटा इसमें से हम माइनस कर देते हैं इनकम टैक्स पे, और बेटा इनकम टैक्स पे करने के बाद जो बचता है यही है बेटा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। अब मेरा ख्याल धीरे धीरे आपको ये चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, अब मुश्किल नहीं लगेंगी चीजें बिल्कुल, ठीक है ना। अब मैंने पहली बार कहा था एक बार ढंग से दर्द सह लो एक दिन देगा, आज इसने इतना परेशान नहीं किया होगा, ठीक है ना। और अगर मैं कल करा दो ना तो आप आओगे टिप्स पे याद हो गया, जरूरत नहीं है एक दिन और करा दो, ठीक है जी। आज इस पर बेस बेटा 5 से 6 क्वेश्चन करने, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है ना, आप ही ट्राई करो और हो जाएंगे, 6 to 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं फंसेगी, ठीक है ना। एक एक करके आपने अटेम्प्ट करने हैं बेटा, शुरू हो जाओ, जो आपसे नहीं होगा बोर्ड पे कर दो, चलो जी फटाफट से कर दो स्टार्ट। लो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात करता है, एक आध क्वेश्चन मैं कर देता हूं फिर आप कर देना,
बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 6 में मुझे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है और क्वेश्चन है बेटा मुझे बहुत सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दी। ठीक है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी देने के बाद बेटा मुझे कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ₹1,00,000। बेटा यानी कि आप सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक पहुंच चुके। ठीक है ना, ऑल्दो इतना हल्का तो क्वेश्चन पेपर में तो आने से रहा। ठीक है ना, लेकिन आपकी शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है बेटा। लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मुझे गिवन है बेटा ₹1,00,000 और मैं क्या करूंगा बेटा ऐड और लेस करने वाला हूं। सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कर, ये मेरे को प्लस और माइनस करना है। ठीक है ना, अभी मैंने एक बात लिखी थी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस होता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होता है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है। बस मैंने यही करना और कुछ नहीं करना। देखो बेटा डेटर पहले 80,000 के थे, 60,000 के हो गए, डिक्रीज हुआ इंक्रीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है ना बाबू, यही है ना डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये तो दिखाई दे रहा है। 20,000 रुपए का डिक्रीज हो गया करंट एसेट्स में बेटा, डिक्रीज ऐड होता है लेस होता है, बोलो फटाफट ऐड। लो जी बाबू, डिक्रीज इन डेटर्स 20,000, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ो। बीआर में हुआ इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होता है इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 3,000, बस माइनस का साइन मत लगा देना, गलती मत करना है। आगे बढ़ो जी, क्रेडिटर 50 से हो गए 55 बेटा, इंक्रीज इन द क्रेडिटर हमेशा ऐड होता है इंक्रीज इन जो मर्जी करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो बेटा हमेशा ऐड होती है 5,000। बीपी 8,000 से हो गया 6,000, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लो बेटा डिक्रीज इन बिल्स पेबल 2,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो गया करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज ऐड होता है इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 ऐड हो गया बेटा। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा, प्रीपेड इज अ करंट एसेट्स, प्रीपेड में बेटा डिक्रीज हो गया ऐड होगा डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 200 रुपी। आगे बढ़ो जी, एक्रूड इनकम, सर एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम आन बट नॉट रिसीव, वो इनकम जो आप कमा चुके हो मिली नहीं अभी तक, तो बेटा एसेट है लायबिलिटी, एसेट है अर्न कर चुका हूं मिली नहीं है, मिल जाएगी बेटा बाबू, एसेट है, करंट एसेट का इंक्रीज है, करंट एसेट का इंक्रीज क्या होता है माइनस होता है इंक्रीज इन एक्रूड इनकम 700 है और बेटा ये पहले 700 थी, अब जीरो हो गई, यानी कि डिक्रीज इन द करंट लायबिलिटी, तो बेटा लो डिक्रीज इन अनएक्रूड इनकम माइनस कर देंगे बेटा 700 रुपए। लो जी बाबू, टोटल करने का तरीका देख लो एक बार, मैंने टोटल करा 25,700, ये बाहर लिख दिया 125,700, इसका टोटल करा 5,800 बेटा, इसमें से इसको माइनस कर दिया 1,190, अगर इनकम टैक्स पेड होता तो वो भी माइनस कर देता, कायदे से तो ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है, इनकम टैक्स पेड होता माइनस कर देता जो आता वो आता बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहां पर इसी को ही लिख देते हैं बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मेरे पास इनकम टैक्स नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम या इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको पैसे मिले बेटा 1,19,000। समझ आई बात, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालना,
पढ़ना बेटा मेरे साथ साथ। कहता है बेटा X Limited made a profit of 5 lakh after considering the following item। X ने 5 लाख का profit कमाया ये item consider करने के बाद। Goodwill write off हुई है, DAP है बेटा, loss on sale of fixed assets है, provision for bad and doubtful debt। Provision बताया increase या decrease नहीं बताया, कभी ना बताया तो बेटा increase, यानी कि पहले provision 0 था आज 10,000 है, तो increase हुआ, ठीक है ना। और gain on sale of fixed assets, अगर आपको ध्यान हो बेटा अभी मैंने तो शुरू की चार आइटम है ना ऐड में लिखी थी, और ये तो गेन है बेटा ये माइनस में लिखा था, ठीक है ना। यानी कि जो मेरे को 5 लाख दे रखा है बेटा ये सीधा दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि बेटा क्या मुझे ट्रांसफर तो रिजर्व दिया नहीं, क्या मुझे बेटा बात करें डायरेक्ट डिविडेंड की, प्रपोज डिविडेंड की, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स की कोई बात नहीं करी। ये 5 लाख रुपए दिया हुआ है, एक्स ने प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए, सबसे पहली लाइन इस क्वेश्चन की सीधा लिख देना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 5 लाख प्लस एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। चार आइटम ऐड होनी है बेटा, एक लेस होनी है, फिर बेटा क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और बेटा मुझे ट्रेड रिसीवेबल प्रीपेड ये दोनों क्या दी हुई है करंट एसेट्स, और अगली दोनों क्या है करंट लायबिलिटी, निकल जाएगा बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई देर लगेगी, समझ आ गई ना बात, चलो फटाफट से बेटा साइन करके देखो, नहीं होगा तो मैं करा रहा हूं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक आपके लिए आज होमवर्क है, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक करके आना, कल 12-17 करेंगे, और परसों से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।